हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हायर डिग्री कर्व को बाइसेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैथ से ऑनर्स कर रहे हैं या आप डिप्लोमा कर रहे हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो है। इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन का हायर स्क्वायर इजकल टू जीरो। यहाँ से एक्स का दो वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी एक्स बराबर माइनस वन, एक निकलेगी एक बराबर प्लस वन निकलेगी। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, इसका तो आप आसानी से मान निकाल चुके हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आ जाएगा क्यूबिक का आ जाएगा, जब फोर्थ पावर आ जाएगा एक्स के पावर फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, तब आपको हो सकती है मन निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बाइसेक्शन मेथड से किस प्रकार से हाई डिग्री के इक्वेशन को, कर्व को कैसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो है, तो हो सकता है इसको आपको इसका रूट निकालने में आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ दूसरा है एक्स इंटू पावर एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका भी आपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब टाइप के आज इक्वेशन को हम लोग कैसे बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है, रूट फाइंड किया जाता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, जैसे अलजेब्रिक कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा एफ एक्स बराबर जीरो। ठीक है, प्योरली ए पॉलिनोमियल, ये क्या होती है, बहुपद होती है, प्योरली ए पॉलिनोमियल। जैसे आपको ये बहुपद हो गया, ठीक है, ये भी आपको बहुपद हो गया, इस प्रकार से बहुपद का एग्जाम्पल आपको हो गया। अब देखिए इक्वेशन यहाँ दो प्रकार को देख, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया आपको, एक होता है ठीक है ट्रांसेंडल इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे ये सब इक्वेशन क्या होती है, जैसे कॉस वाला साइन इक्वेशन होगा, साइन वाला इक्वेशन होगा, टेन वाला लॉग वाला पावर एक्स वाला लॉग टेन वाला ईटीसी, ये सब को कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर जीरो है, इस प्रकार से कोई फंक्शन है एक्स इंटी ई पावर एक्स बराबर कॉस एक्स, ये इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है ये कौन इक्वेशन है, यहाँ लिखा हुआ है वही इक्वेशन है, एक्स लॉग एक्स बराबर 1.2 हो गया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गई। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में, अब ये चैप्टर जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर है, ठीक है, इसमें रूट किस प्रकार से हम लोग बाइसेक्शन मेथड से फाइंड करेंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे ये बाइसेक्शन मेथड है, इसका वर्किंग रूल देखिए पहले क्या है, किस प्रकार से हम लोग रूट निकालेंगे। ठीक है, इस पर आज हम ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल है, किस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे देख, जिस प्रकार से वर्किंग रूल आप ठीक समझ लीजिए, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेकर तो उसको हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से बाइसेक्शन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जिसमें पहले हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन देगा उसको जीरो के बराबर मान लेंगे, जो भी जिस प्रकार का फंक्शन दे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर उसको मान लेंगे। ठीक है, जीरो के बराबर मानने के बाद क्या करेंगे, बी द गिव इक्वेशन, ठीक है, फाइंड ए एंड बी सच दैट, उस इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, ए और बी एक ऐसा मतलब एक्स के जगह पर एक वैल्यू धरेंगे, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस वन टू थ्री फोर, इस प्रकार उसमें क्या करेंगे एक उसमें वैल्यू, चलिए इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, यानी एफ एक्स जो है इसमें एक वैल्यू धरेंगे वन टू थ्री फोर, इस प्रकार से उसमें क्या करना है हमको, एक वैल्यू धरना है। ठीक है, इस प्रकार से ए भी आपको वैल्यू एफ 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 ए एफ बी मिल जाएगा। मान लीजिए आप x के जगह धरे हैं, एक बार a धरे हैं, एक बार x के जगह पर b धरे हैं, तो इस प्रकार से धरे हैं तो ऐसे कुछ फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से f के जगह f a और f b धर करके, ठीक है, तो f a और f b मान निकालेंगे। यदि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए f a, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक है, कैसे किस क्या करना है लेक्चर में अंत तक, सॉरी लेक्चर में अंत तक बने रहिए, इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एफ ए मान लीजिए एक्स के जगह पे ए धरे, ठीक है, एफ एक्स था आपका, ठीक है, तो एक्स जगह आप यहाँ क्या धर दिए, ए धर दिए, एफ ए निकाल लिए और एफ के जगह एक्स के जगह बी धर दिए और क्या निकाल लिए आप, एफ बी निकाल लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मान लीजिए एफ ए आपका आया है निगेटिव लेस देन जीरो, एफ बी आया ग्रेटर देन जीरो, एफ बी क्या आया है पॉजिटिव आया है, और जब दोनों का गुणनफल कीजिएगा, ठीक है, एक मान लीजिए या फिर लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव है, दोनों को निगेटिव है गुणा पॉजिटिव करिएगा आप तो क्या होगा, निगेटिव होगा दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट हम लोग फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट निकाला जाता है आपको ध्यान देना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पर
पहले एफ एक्स के जगह पर, जैसे एफ एक्स था यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स था ना यहाँ पर, अब हम लोग एक्स को हटा करके एक्स को यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए, एक्स को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर दिए, ठीक है, एक्स के जगह पर ए धरेंगे, एक्स के जगह पर क्या धरेंगे, एक्स के जगह पर ए धरेंगे, और हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफ ए निकाल लेंगे। फिर तब क्या करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पर अब धरेंगे बी धरेंगे, ठीक है, अब एक्स के जगह क्या धरेंगे, बी धरेंगे। इस प्रकार से आप बी धर दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए, तो इस प्रकार से काम हो जाएगा। जब एफ ए एफ बी निकाल लीजिएगा तो वो जो ए बी धरे, ए प्लस बी, उसमें क्या करिए डिवाइड दीजिए दो से, तो आपको तब निकल जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल जाएगा यूजिंग इस प्रकार से। देखिए बाइसेक्शन मेथड का मतलब है आपको रूट फाइन करना है, तो कैसे कीजिएगा, दो से भाग दे, नाम है बाइसेक्शन यानी दो से भाग दो, एक्स वन बराबर आपको निकल जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल जाएगा ए प्लस बी बाय टू। जब आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकल गया है तब क्या करिए, इस एक्स वन को यानी ए प्लस बी बाय टू में जो इसका वैल्यू आया, ठीक है, वो आप क्या धरिए, फिर धरिए फंक्शन में, ठीक है, यानी एक्स वन का मान निकल जाएगा आपको, फिर फंक्शन में जहाँ एफ एक्स था एक्स के जगह आप धर दीजिए एक्स वन, तो कैलकुलेट एफ एक्स वन एंड एग्जामिन इट्स साइन, तब उसका हम लोग फिर साइन देखेंगे किस प्रकार से साइन देखना है, किसका किसका साइन देखना है, तो फिर साइन मिलाएंगे। यदि एफ एक्स वन लेस देन जीरो हो गया, एफ एक्स वन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी इसको जब फंक्शन धरेंगे तब रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी, तब रूट किसके बीच लाई करेगा, एक्स वन एंड बी के बीच, एक्स वन एंड बी के बीच लाई करेगा, तब हमको मिलेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा हमको, तो आपको मिलेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय, इस प्रकार से आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगी, यानी एक नेगेटिव पॉजिटिव बीच लाई करेगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से होता है, एक तरह से आपको हम समझाना चाहेंगे, आप मैट्रिक में इस तरीके से पढ़ चुके होंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आप लोग ग्राफ फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये एक्स आपका है, ठीक है, ये एक्स डैक्स है, ठीक है, ये वाई हो गया आपका, ये हो गया वाई डैश हो गया। अब मान लीजिए कोई क्यूबिक कर्व या कोई क्वाड्रेटिक कर्व है, उसका इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से बनाए, ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन बनाए, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से मान लीजिए इक्वेशन बनाए हैं सपोज दैट, चलिए ओके, ठीक है, तो आप देखिए ये जो कर्व है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कट की है, ये कर्व आप देख सकते हैं, ये जो कर्व आपका है, ये कर्व ने इस पॉइंट पर इस एक्स एक्सिस कट किया और इस एक्स पॉइंट पर कट किया, तो दोनों पॉइंट पर क्या मिलेगा, अब देखिए इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इस लाइन से नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है, तो इस पॉइंट पर जो है और इस पॉइंट पर ये कर्व जो इस प्रकार से है, किसी भी कर्व हो सकता है, इसने एक्स एक्सिस को कट किया, इसका मतलब यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, जीरो, कौन वैल्यू जीरो होगा, वाई का वैल्यू जीरो होगा, किसका वैल्यू निकले, एक्स को वैल्यू हमको फाइंड करना है, इस मेथड से हम लोग बाइसेक्शन मेथड से उसको फाइंड करेंगे, समझे। इसके बाद क्या करिएगा आप, इफ एफ एक्स वन इज जीरो ग्रेटर देन जीरो, यदि वहाँ पर एफ एक्स वन लेस देन जीरो होगा, रूट लाया करेगा बी के ए और बी के बीच, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यार रूट एफ एक्स वन और बी के बीच लाई, क्योंकि आपको ए बी एफ बी जो था ना वो पॉजिटिव था और एफ एक्स वन हम लोग क्या माने थे, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बीच में रूट लाया करेगा, एफ ए तो आपको पॉजिटिव था, एफ ए तो देख लीजिए एफ ए नेगेटिव है, एफ ए क्या है, नेगेटिव है, एफ बी क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ बी पॉजिटिव है और एफ एक्स वन हम लोग नेगेटिव मान के चले हैं, तो रूट लाया करेगा एफ बी और एफ एक्स वन के बीच रूट लाया करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव, एक यहाँ पॉजिटिव, एक यहाँ पॉजिटिव और दूसरा यहाँ नेगेटिव रूट लाया करेगा, इस प्रकार से हम लोग देख लिए, तो इस प्रकार से रूट आप लोग निकाल लीजिएगा दोनों डिवाइड करके, एक्स वन और बी को डिवाइड करके दूसरे, तब एक्स टू मिल जाएगा आपको, सेकेंड एफ्रॉक्स में रूट मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए उस केस में आप लोग 2.12 माने थे एफ एक्स वन को नेगेटिव माने थे, अब हम क्या मान रहे हैं, एफ एक्स वन को पॉजिटिव, और हम लोग एफ ए ले एफ ए को हम लोग क्या मान चुके हैं, इसको पॉजिटिव मान चुके हैं, एफ एक्स वन को रिटर्न जीरो माना, इसको हम लोग माने थे नेगेटिव, और रूट लाई, अब रूट लाई करेगा एफ एक्स वन और एफ ए के बीच रूट लाई करेगा, अब आपको क्या करना है, ए एन एक्स वन देन सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट गिवन बाय, इस प्रकार से सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये वर्किंग रूल हो सकता है थोड़ा आपको समझने में परेशानी कर रहा हो, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, जब हम लोग एग्जाम्पल लेकर बताएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, सब परेशानी आपको सॉल्व हो जाएगी, इसलिए तब तक बने रहिए, तब आपको पूरा डिश देख लीजिएगा एक बार, तब फिर देखिएगा वर्किंग रूल, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, हम तो समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पूरा समझाने का, हो सकता है फिर भी आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं होता है मैथ में तब तक समझ नहीं आता है, तब क्या करेंगे, कैलकुलेट एफ एक्स टू एंड रिपोर्ट स्टेप 2.1 एंड 2.2 अनटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट। चलिए
अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, ये बाइसेक्शन मेथड का एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ये जो आपको बाइसेक्शन मेथड से हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट है बाइसेक्शन मेथड की, बाइसेक्शन मेथड कॉन्सेप्ट किया है आपको, जो एफ एक्स बराबर इस प्रकार से फंक्शन दिया, हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन देगा उसको एफ एक्स बराबर फंक्शन को जीरो के बराबर कर देंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे जिस प्रकार की इक्वेशन हो। उसके बाद देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट वैसे इस प्रकार से ग्राफ स्केच बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से कर्व है, ठीक है, ये किसका, इस पर एफ एक्स का, ये एफ एक्स का इस प्रकार से एफ एक्स का कर्व है। अब इसमें देखिए इसमें क्या किया हुआ है इस कर्व में, ठीक है, हमने क्या किया इस कर्व में, एक एफ ए कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट बी लिया, ठीक है। मान लीजिए इसको फंक्शन में धरे इस प्रकार से एफ ए निकाले, एफ ए का जब मान लीजिए वैल्यू निकाले तो वो क्या निकला है, निगेटिव निकला है, यानी किसका निगेटिव, एफ ए यानी वाई का वैल्यू निकला है, यानी निगेटिव निकला है तो एवरेजेंस क्या होगा, नीचा होगा। और दूसरा वैल्यू हमने क्या लिया, एफ बी लिया, यानी एक्स जगह हमने फंक्शन में क्या रखा, बी रखा, तो बी रखा तो मान लीजिए क्या आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो ये वाई हुआ, तो क्या होगा, ये एक्सिस से ऊपर होगा इस प्रकार से, ठीक है, ये एक्सिस से ऊपर हो गया, तो ऊपर बी, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। अब देखिए ये ए और बी में क्या करेंगे हम लोग, दो से भाग देंगे तो मान लीजिए आपको ए एक्स वन बराबर, तब निकलेगा आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट ए प्लस बी बाय टू निकलेगा, ठीक है, दो से हम लोग डिवाइड के लिए मतलब बी बाय टू निकला, तो ये आपका एक्स वन हो गया, जब आप इस प्रकार से आपको समझना है तो ये एक्स वन निकल गया आपको, ठीक है। तो आप जो रूट लाइक करेगा तो ये रूट लाइक करेगा एक्स वन और बी के बीच में रूट लाइक करेगा, ठीक है, रूट लाइक करेगा एक्स वन और बी के बीच में रूट लाइक करेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब फिर क्या करिए, एक्स वन और बी का जो एक्स वन प्लस बी में भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए, भाग दो से दीजिए भाग, क्या निकलेगा आपको, एक्स टू निकलेगा, तो ये एक्स टू कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस प्रकार से अपना प्रोसेस है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं आपको है, यहाँ जब हम चर्चा करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान समझना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जैसे आपको डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर में ये क्वेश्चन फिक्स है आपको, एबे करेगा एक कोई किसी मेथड से, हम लोग सब मेथड चर्चा करेंगे, न्यूटन रैप्सन चर्चा करेंगे, बाइसेक्शन में चर्चा करेंगे, ठीक है, रेगुलर फॉल्ट चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार से होता है। तो अब इसका आप सवाल समझिए, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन, आपको क्या करना है, इक्वेशन का रियल रूट निकालना है, ठीक है, जिसे आपका इक्वेशन दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर। देखिए रियल रूट इसीलिए कहा गया कि जब ये इस प्रकार से ग्राफ होगी, इस प्रकार से रियल में काटेगी, यहाँ यहाँ इस प्रकार से जो वास्तव में काटी है तो आपको मान निकलेगा वास्तव में, ठीक है। तो फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन, आपका एक इक्वेशन है, क्या निकालना है, रियल रूट निकालना है, जैसे इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेस तक आपको रूट निकालना है। तो समझिए आपको सवाल समझ में नहीं है, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जितना भी पीछे आपको पढ़ाए हैं सारा आपको समझ में आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है, एक बार नहीं आता है समझ में, दो बार तीन बार देखिए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट एफ एक्स बराबर, आपके शुरू में क्या बताए थे, जो भी फंक्शन देगा उसको जीरो बराबर आपको कर देना है, देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर हम लोग जीरो बराबर कर दिए, चलिए ठीक है। टू फाइंड ए और बी, हम लोग प्रोसेस में यही चर्चा किए थे, हम लोग क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए बी का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए कैसे निकलेगा ए और बी का मान, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस फंक्शन में एक्स के जगह धरिए जीरो, आप जीरो देखिएगा, जीरो धरिएगा, ई खत्म एक्स खत्म, क्या बचेगा, माइनस चार बचेगा, माइनस चार क्या है, लेस देन जीरो है, अब देखिए माइनस चार लेस देन जीरो है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक धरेंगे क्या निकलेगा आपको, माइनस चार, नहीं फंक्शन धरिए, सवाल बनाते जाइएगा, दो धरेगा तो क्या आएगा आपको, आएगा दो आएगा, 1.5 धरेगा तो क्या आएगा आपको, माइनस 2.125 आएगा, आप 1.6 धरेगा क्या आएगा, माइनस 1.540 आ जाएगा, इस प्रकार धरिए 1.8 धरिए इस प्रकार से। अब देखिए अब कहिएगा आप कहाँ तक हम मान धरेंगे, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है, जब आपको जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से वैल्यू मिलती है वहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं। तो ये जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये हम आखिर धर रहे हैं कहाँ पर, देखिए ये हम धर रहे हैं इस फंक्शन में, इसी फंक्शन में धरिए आप 0, 1, 2, 3, 4 माइनस कुछ भी आप धर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कुछ भी धरेंगे फिर कैसे समझेंगे कि ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू
क्या होगा। तो एक वैल्यू भी हम लोग किसी ने जीरो धरे माइनस चार आया, वन धरे माइनस चार आया, देख लीजिए टू धरे टू आया। तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, ये हो गया ए के वैल्यू बराबर एक और बी के वैल्यू बराबर टू, यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टॉप नहीं किया। यहाँ स्टॉप क्यों कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको इसका साइन नेगेटिव है पॉजिटिव है, जहाँ एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा बीच में कहीं ना कहीं जीरो मिलेगा, जहाँ जीरो मिलेगा वहाँ को क्या मिलेगा रूट मिलेगा, ठीक है, वहाँ जहाँ जीरो मिलेगा वहाँ रूट मिलेगा। तो यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ स्टॉप नहीं किया, स्टॉप नहीं किया इसलिए स्टॉप नहीं किया। मान लीजिए आप जैसे आपका इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से कर्व काटता है, ठीक है, कर्व काट दिया तो आपका रूट यहाँ लाइक करेगा, ये वैल्यू आपका एक मान लीजिए है, ये वैल्यू आपका क्या है दो है। देखिए रूट एक और दो के बीच में लाइक करा, हमने क्या करा एक को थोड़ा इधर घसकाया और दो को थोड़ा इधर घसकाया, मतलब इसके नज़दीक करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग दो भाग दे करके दो से वैल्यू निकालेंगे तो बहुत जल्दी रूट नज़दीक हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसे रूट नज़दीक पहुँचने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए हमने क्या किया टू लिया, लेकिन अब हमको पता है रूट जो मेरा लाइक करेगा वो एक और दो के बीच में लाइक करेगा, ठीक है, लेकिन रूट जो एक 1.1 1.2 कहाँ पर रूट लाइक करेगा, एक और दो के बीच में लाइक करेगा ना, एक और बीच दो के बीच में कहाँ लाइक करेगा, हमको पता है रूट मेरा एक से ऊपर होगा दो से नीचा होगा। अब देखिए दो से नीचा वैल्यू 1.9 आप धरिए, 1.8 धरिए, ठीक है, तो हमने क्या किया 1.5 धरा निगेटिव निकला, 1.6 धरा तो निगेटिव, क्योंकि एक पर निगेटिव है, आप 1.1 भी देख सकते हैं, 1.4 भी देख सकते हैं, यहाँ तक निकालेगा तो पर निगेटिव ही आएगा। 1.5 धरिए तो आपका निगेटिव, 1.6 तो आपका निगेटिव, 1.7 धरिए आपका निगेटिव, 1.8 धरिए तो आपका निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। देखिए नहीं 1.8 धरिए तो आपका क्या वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ गया, 1.7 का वैल्यू क्या निगेटिव है। तो अब जो मेरा एक्चुअल रूट लाइक करेगा बहुत नज़दीक, ठीक है, वो लाइक करेगा 1.7 और 1.8 बीच में। क्यों किया ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 1.7 वैल्यू क्या आया है, ये वैल्यू निगेटिव है, अब 1.8 पर क्या है पॉजिटिव है, जहाँ अल्टरनेट साइन आपको मिल रहा है रूट उसी बीच में लाइक करता है, ठीक है। आप ये हो गया ए का वैल्यू और ये हो गया बी का वैल्यू, अब क्या करिएगा आपको चूजिंग ए बराबर 1.7 एंड बी बराबर 1.8 आपने चूज कर लिया, ए को 1.7 चूज किया और बी को 1.8 चूज किया। अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, अब हम लोग बाइसेक्शन मेथड का यूज करके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। आपको एक्स वन बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा टू, तो ए का मान भर दीजिए 1.7 और बी का मान भर दे दीजिए 1.8 और दो से भाग दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा 1.75। यहाँ आपको ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ हमने एफ 1.7 को निकला है जो फंक्शन धरने के बाद निगेटिव निकला है और 1.8 निकला है पॉजिटिव। हमको रूट बाइसेक्शन मेथड है दूसरे डिवाइड का रूट निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया दूसरे एक्स वन बराबर ए प्लस बी बटर टू दूसरे डिवाइड दिया, ए और बी के वैल्यू रखा, दूसरे 1.75 निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे ये जो एक्स वन बराबर आपको एक्स वन बराबर 1.75 आया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में धरेंगे। हमने देखिए फंक्शन में धरा है, फंक्शन में धरा 1.7 फंक्शन मेरा था एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर, फंक्शन था मेरा, देखिए फंक्शन था मेरा एफ एक्स बराबर क्या था फंक्शन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस फोर, ये फंक्शन आपका था, ठीक है। इस फंक्शन में वैल्यू धरे एक्स की जगह हमने धरा 1.75, ठीक है, जब एक्स की जगह हमने 1.75 धरा तो आपका देखिए वैल्यू क्या निकल गया माइनस 0.394 और एफ 1.7 आपको देख लीजिए क्या था, आप ये वैल्यू देखिए आपका नेगेटिव निकला है, एफ 1.75 नेगेटिव निकला है, ठीक है। और ये जो 1.75 है ये किसके बीच की वैल्यू है, 1.7 1.8 के बीच की वैल्यू है, यानी 1.75 नेगेटिव है। तो अब जो आपका नया रूट लाइक करेगा वो रूट लाइक करेगा 1.75 नेगेटिव है और 1.8 पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अब आपका रूट लाइक करेगा 1.75 एंड 1.8 के बीच में आपका रूट लाइक करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए वही होगा, हैंड्स रूट लाइट बिटवीन 1.75 एंड 1.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट आपको निकाल, क्योंकि आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स टू बराबर क्या लिखिएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसी दोनों बीच में समझ गए, तो उसी के बीच आपको कहीं ना कहीं रूट लाइक करेगा, समझे। तो आप क्या करिए एक्स सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट निकाल लीजिए, एक्स टू बराबर 1.75 प्लस 1.8 डिवाइड बाई टू करके आपको निकल जाएगा 1.775। आप पुनः इस 1.775 को धरना है फंक्शन में, ठीक है, और उस फंक्शन में देख कर चेक कीजिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव आया है। पहले रूट लाइक कर रहा था 1.75 और 1.8 के बीच में, जिसमें कि 1.75 नेगेटिव था, 1.8 देखिए आप इस आप जो यहाँ वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से इसको लिखिए कि पहला लिखिए नेगेटिव दूसरा लिखिए पॉजिटिव, मेरा ये 1.75 देखिए नेगेटिव, हमने इस प्रकार से एडजस्ट लिखा है नेगेटिव और 1.8 देख लीजिए आपका पॉजिटिव था फंक्शन धरने के बाद,
फंक्शन धरने के बाद क्या था, 1.9 पॉजिटिव था। अब आपने फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट जो निकाले हैं वो निकला है आपको 1.775 निकला है ना, देख लीजिए यहाँ 1.775 है। फिर इसको धरे फंक्शन में साइन चेक किए, अब जो आपका रूट लाइक करेगा वो करेगा 1.775 और 1.8 के बीच। देखिए पहले रूट लाइक कर रहा था, कन्फ्यूजन हो सकता है इसके बीच में 1.8 के बीच में दोनों का बीच का वैल्यू क्या है 1.775, ठीक है। ये दोनों के बीच का वैल्यू क्या है, ये है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब रूट लाइक करेगा इन्हीं दोनों के बीच में, अब रूट लाइक करेगा 1.775 और 1.8 रूट लाइक करेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, बस उसी प्रोसेस है। दोनों को क्या करिए, दूसरे भाग दे दीजिए तो आपको निकल जाएगा 1.7875, या आपको निकल गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट निकल गया, ठीक है। तो आप 1.7875 को फिर धरिए फंक्शन में, फिर साइन चेक कीजिए, इस प्रकार से फिर साइन चेक करना है, इस प्रकार से फिर साइन चेक करेंगे। हैंड्स रूट लाइज बिटवीन 1.7875 एंड 1.8 क्योंकि निगेटिव है, और रूट लाइक करेगा इतना और 1.8 बीच में रूट लाइक करेगा। जहाँ देखिए यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको आपके कमेंट को जरूर हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि लाइव पढ़ाएँ आपको, ठीक है, मतलब बोर्ड पर पढ़ाएँ, तो वो भी कमेंट आप रिप्लाई कीजिए तो उसका व्यवस्था हम कर देंगे आपको। और देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाले को साइंटिफिक कैलकुलेटर एक होता है, तो उससे कैसे वैल्यू निकाला जाता है यदि आपको वो भी पढ़ना हो, कैसे सीखना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एक आपके लिए वीडियो बना देंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट, आप देखिए रूट मेरा लाइक करेगा 1.7875 क्योंकि ये नेगेटिव है, और 1.8 पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब रूट लाइक करेगा इसके दोनों के बीच में लाइक करेगा क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। तो अब हमको निकालना है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट, दोनों के जोड़ कर दूसरे भाग दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट, ठीक है। तो ये फंक्शन में धर दीजिए, ठीक है। तो फंक्शन धरने के बाद आपका नेगेटिव निकला, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट आपने निकाल लिया, चलिए ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या निकला है नेगेटिव, 1.8 क्या पॉजिटिव, और रूट लाइक करेगा दोनों बीच में। इस प्रकार से फिर कीजिए काम, ठीक है। फिर फंक्शन धरे, फिर साइन चेक, अब देखिए पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव आ गया है, अब 1.8 के बीच रूट लाइट लाइक करेगा, और रूट लाइक करके किस बीच लाइक करेगा, हैंड्स रूट लाइट बिटवीन 1.7 इतना और इतना बीच रूट लाइक करेगा, ये आपको समझना है। हम लोग सिक्स अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। अब आपके मन में आता होगा कि कहाँ तक निकालेंगे, देखिए 7 तक यहाँ निकाला हुआ है, 7 बाद नहीं निकाला हुआ है। तो जब तक आप कम से कम 6-7 अप्रोक्सीमेशन तक रूट निकालिए, ठीक है। जब आपको दशमलव के बाद दशमलव के बाद 3 डिजिट, देख लीजिए दशमलव कितने डिजिट हम बोल रहे हैं, दशमलव के बाद 3 डिजिट तक x1 x2 x3 x4 x5 x1 आप निकालिए, देखिए x1 से लेकर के x7 तक, ठीक है। यदि 3 डिजिट का वैल्यू सेम आ रहा है किसी में, तब आपको वहां पर स्टॉप हो जाना है, और वही आपका क्या हो जाएगा, बेटर हैंड्स द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल फेजेज इज एक्स बराबर 1.796, देख लीजिए ये 1.796 है x7। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स यदि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 83 40 22 19, इसको आप लिख लीजिए, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आपको अपनी समस्या से जुड़ी यदि कोई एग्जांपल है और प्रॉब्लम होती है, यदि आपको यहाँ तक मान लीजिए पढ़ाई हो सकता है, यदि आपको प्रॉब्लम उस मंदिर में 2-3 बार वीडियो का आप देखिए, यदि फिर से भी सोल्यूशन सॉल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप नंबर संपर्क कीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम 1-2 प्रॉब्लम और लेंगे, आपको हम उस बताएँगे, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए इतना हम आपके लिए ज़रूर कर सकते हैं, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को फिर से वही बात कहेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।